Dear students, come on, join fast. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं आप सबके लिए हाजिर हूं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स लेक्चर 3 लेकर। प्यारे बच्चों, पिछली हमारी क्लासेस में हमने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, हु डिस्कवर्ड चार्जेस, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, देन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वी डिस्कस्ड एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी डिस्कस्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट वॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू विच चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है बच्चों, और एक फॉर्मूला था उससे रिलेटेड, दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पी। सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू चार्ज ए बॉडी, किस बॉडी को चार्ज किस तरह किया जाए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चार्ज करने के देर आर थ्री मेथड्स, जस्ट लाइक थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर देर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। नंबर वन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, नंबर टू, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एंड नंबर थ्री, चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो लेट अस लर्न दीज थ्री मेथड्स वन बाई वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस चार्जिंग बाई कंडक्शन। This is the first method. तो प्यारे बच्चों, let us suppose this is a sphere. It is a conducting sphere made of metal and it is placed on an insulating stand like this. Okay? It is placed on a insulating stand. Let us suppose I want to charge this sphere and I have a rod which is already charged. Suppose this is a rod and it is positively charged. Okay? This rod is made up of metal and this sphere is also made up of metal. Both are conductors. Now I want to charge this sphere. So, if I hold this rod with my hand, with my finger, what will happen? Because my body is also a conductor, this charge will flow through my body to the ground. Okay? So, will always hold this rod, charged rod, with some insulating material. कोई insulating plastic की clip है या किसी चीज से इसको हम पकड़ेंगे, then only बच्चों ये charge हमारी body में transfer नहीं होगा। ठीक है, तो let us suppose कि इसको हमने पकड़ा किसी चीज से और पकड़ के हमने क्या किया, इसको इससे टच करा दिया। जैसे इसको पकड़ के इससे टच कराना है, तो जैसे हम इसको टच कराएंगे, what will happen? Some of the charge from this rod will be transferred to this sphere. इस rod का कुछ charge बच्चों sphere पे भी आ जाएगा, सारा नहीं आएगा, only some of the charge. ठीक है, कुछ charge sphere पे आ जाएगा, कुछ charge rod पे आ जाएगा। आगे चल के आप एक term पढ़ेंगे potential, जब दोनों का potential same हो जाएगा तो charge का transfer stop हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसको बता, just मैंने आपको idea दिया है, आगे detail में हम उसके बारे में सीखेंगे। तो as soon as I touch this rod with this sphere, so some of the rod, some of the charge of this rod will get transferred to the sphere. Now your sphere is also charged
And what kind of charge is on there on this sphere? It is positive charge. So sphere will, is said to be positively charged. So बच्चों इस तरह से हमने क्या किया? Conduction के द्वारा. Conduction means movement from one body to another body. So charge is conducting from this rod to the sphere. Okay? This method of charging is called charging by conduction. ठीक है बच्चों, जैसे कि heat में transfer होता था conduction से. अगर किसी हम hot body को छुएंगे तो जो heat है उससे, जैसे हम चाय का कप सुबह पकड़ते हैं, चाय का स्टील का ग्लास पकड़ते हैं, तो जो हीट है तो वो स्टील के ग्लास, बिकॉज स्टील इज ए कंडक्टर, तो वहां से पास होती हुई हमारी बॉडी में चली जाती है, हमें गर्म गर्म लगता है, फील होता है. ठीक है, तो दैट इज थ्रू कंडक्शन. तो यहाँ पे भी चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कंडक्शन. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी, चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दूसरा मार्कर देखा जाए जरा, चल रहा है देखो इसको जरा. चार्जिंग भाई फ्रिक्शन, बच्चों क्या होता है? जनरली सभी बॉडीज यू नो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ठीक है, बट इन एवरी बॉडी देर आर सर्टेन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, दे आर इन अबंडेंस. ठीक है, और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी कम होती है, बट सम आर देयर. ओके, नाउ व्हेन वी रब टू बॉडीज, फॉर एग्जांपल व्हेन यू कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर, जब आप अपने सूखे बालों में कंघी करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, जो आपके बालों के बीच में और कंघी के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है. जब भी फ्रिक्शन होता है, यू नो बेसिक फिनोमिना है, उससे हीट जनरेट होती है. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट हीट व्हाट हैपेंस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, बालों से कंघी में जाएंगे या कंघी से बालों में आएंगे, ये डिपेंड करता है बच्चों उनकी प्रॉपर्टी पे, बालों की और कंघी की प्रॉपर्टी पे. ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है. जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं, डिफरेंट टाइप की बॉडी को रब करते हैं, तो एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है. अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है. तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो मेरे बाल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड है. ठीक है, और जो कॉम्ब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है. इसीलिए क्या होगा, जब उनको फ्रिक्शन से हम रब करेंगे दोनों को, तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी. व्हेन वी रन ए कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर, तो हीट जनरेट होगी. अब हेयर ड्राई होने चाहिए, ठीक है, तो ड्यू टू दैट हीट इलेक्ट्रॉन्स विल गेन द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब. ठीक है बच्चों, जैसे देखो मान लो ये एक व्यक्ति है, इसके सिर पे बाल है, अब इसके बालों में कंघी की जाए तो क्या होगा, देखिए ये कंघी है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके बालों से निकल के कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा कंघी में. ठीक है, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कंघी में जा रहे हैं, तो जो कंघी है कॉम्ब है, इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, और जो बाल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो बालों पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज. तो कंघी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और कॉम्ब क्या हो जाएंगे, कॉम्ब विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड हेयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये आपने देखा कि when we rub two bodies of different materials. अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट मटेरियल की होनी चाहिए. व्हाट विल हैपन इफ द बॉडीज आर ऑफ सेम मटेरियल, बताइए क्या होगा. फिर वो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, कि किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है किसमें टाइटली बाउंड है, वहां तो दोनों में एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कंफ्यूजन में आ जाएगा कि किधर ट्रांसफर हो जाऊं, एक बॉडी से दूसरे में किसमें जाऊं. ठीक है, क्योंकि दोनों में तो एक जैसा कंडीशन है. तो
हम शिफ्टिंग मूवमेंट कब करते हैं? कुछ लोगों को आपने सुना होगा, पक्षियों को सुना होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो वन प्लेस टू अनदर क्यों जाते हैं? क्योंकि जब एक एक जगह से दूसरी जगह आपको बेटर कंडीशंस मिलती हैं, तभी हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है? तो ऐसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कब होगा? जहां से वो लूजली बाउंड है वहां से निकलेंगे एनर्जी गेन करने के बाद, और कहां जाएंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है उस बॉडी में चले जाएंगे बच्चों, ठीक है? तो व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड विद ईच अदर, इस बात को हम नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड विद ईच अदर देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ओके? एंड द बॉडी व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड द बॉडी व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए अभी हम बात करते हैं, अब मैं आपको कुछ पेयर्स बताता हूं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनकी प्रॉपर्टी के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके देखा जा चुका है किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है? तो अगर मैं इधर से बात करूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस, अगर हम एक ग्लास की रॉड को, ग्लास रॉड को रब किया जाए सिल्क क्लोथ से बच्चों, सिल्क क्लोथ, ठीक है? यहां पे ऐसा करो, लैपटॉप चलाओ जरा, इधर से हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस दौरान कोई, सो दैट आई मे आंसर देयर डाउट्स। डियर लर्नर्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है? आप अपना चैट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, फिर भी यू आर वेरी क्रिएटिव, ठीक है? तो आप पूछ सकते हैं, डाउट देख सकते हैं। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ, ग्लास रॉड विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लोथ विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज। जब भी बच्चों ग्लास रॉड को सिल्क की क्लोथ से रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे ले लो नेट, और सिल्क क्लोथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं वूल, सबके घर में वूल होती है, ऊन होती है, उसको अगर हम रब करेंगे पॉलीथीन पीस से, पॉलीथीन पीस, तो बच्चों वूल विल ऑलवेज अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड पॉलीथीन विल ऑलवेज अक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है? मैं आपको फिर बता दूं कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ओके? तो बच्चों तीसरा है, अगर मैं बात करूं फर की, फर के क्लोथ्स आप विंटर सीजन में पहनते हो, ठीक है? फर के जो क्लोथ होते हैं, तो अगर मैं फर को रब करता हूं एबोनाइट रॉड से, एबोनाइट इज अगेन ए मटेरियल, इफ फर को रब किया जाए एबोनाइट रॉड से, तो प्यारे बच्चों फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है? और अगर मैं ड्राई हेयर को रन करता हूं, ड्राई हेयर के अंदर मैं कॉम रन करता हूं, कॉम बच्चों ड्राई हेयर्स नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? हेयर का प्लूरल भी क्या है? हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, ठीक है? तो ड्राई हेयर में कॉम क्या रन करेंगे? हम कॉम रन करेंगे। तो ड्राई हेयर में अगर हम कॉम रन करते हैं, सो ड्राई हेयर विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड कॉम विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड हेयर्स मस्ट बी ड्राई। नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट विल हैपन इफ हेयर्स आर वेट, हेयर आर वेट, तो अगर हेयर वेट होंगे, गीले होंगे, तो क्या होगा? ड्यू टू दैट फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड, एंड व्हेन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड सो नो हीट और वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है बच्चों? और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो बॉडी चार्ज नहीं होगी, ठीक है? तो चार्ज होने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों, ठीक है? अब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन अक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ओके? सो दीज आर सम पेयर्स जो मैंने आपको बताए, और भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को हम रब करेंगे तो उससे अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किस पे कैसा चार्ज आएगा, ठीक है बच्चों? सो दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स।
ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मीन्स यहां पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. चलिए देखते हैं. बच्चों इन फिजिक्स वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इन कमिंग चैप्टर्स यू विल स्टडी ए फिनोमिना दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दे आर टू डिफरेंट फिनोमिना. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से भी बच्चों हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो बिफोर स्टडिंग दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी मस्ट बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस. दिस इंडक्शन, द वर्ड इंडक्शन इज ए नाउन, इट इज ए नाउन एंड इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड इंड्यूस. व्हाट बच्चों, इंड्यूस मीन्स होता है किसी को लालच देना. ठीक है, टू प्रॉम्प्ट और टू प्रलोभन देना. ठीक है, जैसे भी आपने देखा होगा, आप रामायण चल रहा है सीरियल, तो उसमें अंगद जो है रावण के दरबार में जाता है, तो रावण उसको तरह तरह के जो है प्रलोभन देता है कि तुम मेरी सेना में आ जाओ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, सुग्रीव को हटा देंगे, तुम बाली के पुत्र हो, बाली मेरा दोस्त था. तो कई तरह के उसको रावण ने प्रलोभन दिए. रावण ने क्या किया, रावण ट्राइड टू इंड्यूस अंगदा. ठीक है बच्चों, तो दिस इज इंड्यूस. इंड्यूस मतलब क्या है, लालच देना, प्रलोभन देना. ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड बना इंडक्शन, ये उसी से बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. वी आर गोइंग टू स्टडी चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो बच्चों इसमें किस तरह चार्ज करते हैं ये मैं आपको बताता हूं. फॉर दिस लेट अस सपोज वी हैव ए स्फीयर. अगेन दिस इज मेटलिक स्फीयर एंड इट इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड. बच्चों बार बार मैं स्फीयर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखता हूं. इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखता हूं, ताकि कोई भी चार्ज जो स्फीयर के ऊपर है दैट मे नॉट गेट ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड, ताकि वो चार्ज अर्थ में ना जाए. और इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मेटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने स्फीयर को कहां पे रखा है, आई हैव प्लेस्ड दिस स्फीयर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड. ओके, चलिए अब मुझे इसको करना है चार्ज. आई वांट टू चार्ज दिस स्फीयर. सो व्हाट आई डू, सो लेट मी टेक एनी डाउट इफ यू हैव. Some students are having doubts. They are not finding first and second lectures. बेटा first and second lectures आपको इसी Facebook ID पर आपको मिल जाएंगे. वीडियोज में आप जाकर देखेंगे तो आप वहां पर आपको मिल सकते हैं. अदरवाइज हमारे KVSRO Delhi Live का यूट्यूब चैनल है, KVSRO Delhi Live 1. KVSRO Delhi Live 1 के यूट्यूब चैनल पे जाकर के भी आप उसकी प्ले लिस्ट में आपको ये सभी वीडियोज मिल सकते हैं. तो वहां पे भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं. और यहां पर भी आपको फेसबुक की आईडी में, फेसबुक में अगर आप वीडियोस में जाके सर्च करेंगे, यू कैन गेट ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है. जो भी आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू आर हैविंग, यू कैन फ्रीली आस्क. ठीक है, एंड इफ यू विल आस्क 100 टाइम्स वी विल टेल यू 1000 टाइम्स. ओके, सो कम हियर. This is a sphere. This is placed on an insulating stand. Okay, and we want to charge this sphere. हमें क्या करना है, sphere को चार्ज करना है बच्चों. Okay, let us suppose I want to give positive charge to this sphere.
मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, ये मेरा एम है। द एम ऑफ माय एक्सपेरिमेंट इज टू चार्ज द स्फीयर, टू चार्ज द स्फीयर पॉजिटिवली। आई वांट टू चार्ज इट पॉजिटिवली। सपोज दिस इज स्फीयर ए एंड आई वांट टू गिव पॉजिटिव चार्ज टू दिस स्फीयर। ओके, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अनदर स्फीयर, एक और स्फीयर लेते हैं विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर हमें इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो ठीक इसके अपोजिट चार्ज वाला, जो जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ चार्ज है, वो स्फीयर मैं लेके आता हूं इसके पास, टच नहीं कराना है इससे, इसके पास लेके आना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, आई ब्रिंग अनदर स्फीयर नियर इट, सपोज दिस इज अनदर स्फीयर and I bring this sphere close, this sphere B, and it is having, suppose I want to charge this sphere positively, मुझे इस पे कैसा चार्ज लाना है, positive charge। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसके नजदीक एक दूसरा sphere, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, negative charge है, एक negative charge वाला sphere मैं इसके नजदीक ले आऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके नजदीक negative charge वाला sphere लेके आता हूं, ठीक है, अब ये sphere जो पहले से हमारे पास था, इट वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई टोल्ड यू दैट एवरी बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है बच्चों। ठीक है, अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज का स्फीयर हम इसके पास लाएंगे, तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़े बहुत जितने भी है, ठीक है, ऑल दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, दे विल गेट शिफ्टेड। ये मेटल का बना हुआ है, इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कंडक्टर में देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके नजदीक ये नेगेटिव चार्ज स्फीयर लाएंगे, स्फीयर किसका बना हुआ है, कंडक्टर का है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये। ठीक है, और रखा किसके ऊपर है, इट इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, केवल स्टैंड इंसुलेटिंग है, और स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, मैं स्फीयर बी जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, उसको इसके नजदीक ले आया, मैंने इसको इससे टच नहीं कराना है। ठीक है, हम इसको इससे टच नहीं कराएंगे, ओके, केवल इसके पास इसको रखेंगे। ठीक, जैसे हम इसके नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज को देख के, क्योंकि ये स्फीयर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज है, और यू कैन से इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होता है, बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है चार्ज की, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो होल नेगेटिव चार्ज विल गेट शिफ्टेड टू द अदर साइड, नेगेटिव विल रिपेल द नेगेटिव, सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस स्फीयर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस साइड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, इस नेगेटिव को देखकर सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है, इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। Due to this, what will happen? अगर इस साइड से इलेक्ट्रॉन सारे इधर चले गए, तो इधर क्या आ गया? This side will acquire positive charge. Okay? Right side पे क्या आ गया? Negative charge. और left side पे क्या आ गया? Positive charge. Now I ask you, what is the kind of charge on this sphere? अब बताओ इस sphere के ऊपर कितना charge है? अगर हम देखें, तो जितना इसके ऊपर positive है, उतना ही negative है। तो अगर मैं टोटल करूं दोनों का, तो अब भी टोटल कितना आएगा बताइए, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज नाउ, बताइए बताइए, टोटल चार्ज नाउ विल आल्सो बी जीरो। कितना होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी तो चार्ज तो हुआ ही नहीं, हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि कितना चार्ज, इसको हम चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको हम नाउ वी कनेक्टेड टू द अर्थ, इसको अगर मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, अर्थ कैसे बनाते हैं बच्चों, अर्थ मीन्स ग्राउंड, अर्थ एक वायर लेंगे मेटल की और यहां पर उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग शो करने के लिए बच्चों कॉपी में इस तरह तीन डंडे दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ शोइंग अर्थिंग, कि अर्थिंग कैसे शो की जाए। ठीक है,
चलिए देखिए फिर यहां पे नाउ क्या होगा, ये नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव एंड दिस होल नेगेटिव विल गो टू अर्थ, क्योंकि हमने क्या किया, वी हैव प्रोवाइडेड द पाथ, हमने यहां से इस नेगेटिव को भाग जाने के लिए रास्ता दे दिया और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को भगा रहा है। ठीक है, जब तक हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था तब तक ये भाग नहीं सकता, इसके ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसके चारों तरफ क्या एयर है एंड यू नो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो नेगेटिव इसके ऊपर ही था। बट जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया वायर से, तो वायर तो कंडक्टर है, मेटल की वायर है, तो क्या होगा, दिस होल नेगेटिव चार्ज थ्रू दिस वायर विल गो टू, क्या होगा, इट विल गो टू अर्थ, बच्चों ये अर्थ पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ आई आस्क यू व्हाट इज द काइंड ऑफ चार्ज ऑन दिस स्फीयर, अब बताइए कितना चार्ज है, किस टाइप का चार्ज इसके ऊपर है, अभी ये सारा चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया बच्चों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस पे कैसा चार्ज है, तो नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमारा पर्पज सॉल्व हो गया, हम क्या चाहते थे, हम इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते थे, टू चार्ज द स्फीयर ए पॉजिटिवली। ओके, सो स्फीयर ए इज योर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हमारा काम तो खत्म हो गया। ओके, तो चार्ज करने के लिए इस स्फीयर को हम लेके आए थे, तो इसको अब ले जाए, देखो अगर हम इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, अगर मैं स्फीयर को यहां से ले जाऊं या हटा दूं, देन व्हाट विल हैपन, यू सी, अगर मैं स्फीयर को यहां से हटा दूं क्या होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था इस पॉजिटिव को पुल कर रहा था, तो अब ये हटा दिया जाएगा तो कोई पुल करने वाला तो बचा ही नहीं, नथिंग इज पुलिंग इट पॉजिटिव, और ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो बच्चों क्या होगा, इस स्फीयर का ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे नहीं रहा, इंसुलेटर इंसुलेटेड इट इज नाउ, दिस स्फीयर इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, पहले ये जो स्फीयर था इट वॉज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, नाउ दिस स्फीयर विल मूव, दिस चार्ज विल मूव टू द ग्राउंड थ्रू द स्फीयर, ये क्या होगा, ये चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा बच्चों सारा, तो फिर से ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ताकि ये चार्ज ग्राउंड में ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अर्थ को डिस्कनेक्ट करना है, अर्थिंग हटानी है। ठीक है बच्चों, अर्थिंग हटाने के बाद यू कैन रिमूव दिस स्फीयर, जैसे ही आप इस स्फीयर को रिमूव करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्फीयर, इस पूरे स्फीयर पे ये चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरह फैल जाएगा जैसे ही हम अर्थ को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्फीयर बी को रिमूव करने से पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्कनेक्ट द अर्थिंग, अर्थिंग को हटाना है, उसके बाद ही इसको आपको रिमूव करना है। सो दिस वे बच्चों आपने क्या किया, स्फीयर ए को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, बताइए इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल नाउ, बेटा मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कंडक्शन वाला भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटा आप टाइम पे प्लीज ज्वाइन किया करिए, क्योंकि फिजिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और कंडक्शन में इट इज वेरी इजी, आप रात को गरम गरम दूध पीते होगे। ठीक है, तो जब स्टील के ग्लास को आप होल्ड करते हैं हाथ में तो आपको गरम गरम फील होता है, तो दैट इज हीट, आपकी जो ग्लास है उससे आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है, कंडक्ट हो रही है, दिस इज कंडक्शन। ठीक ऐसे ही अगर एक बॉडी पे चार्ज है, अगर हम उसको दूसरी बॉडी से टच कराएंगे तो टच कराने से चार्ज एक बॉडी से कुछ चार्ज दूसरी बॉडी पे भी चला जाएगा, जैसे कि आपने गर्म चाय के कप को छुआ तो कुछ हीट आपकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर एक चार्ज वाली बॉडी को अनचार्ज बॉडी से हम टच करते हैं तो कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और वो दूसरी बॉडी जो कि पहले अनचार्ज थी वो भी चार्ज हो जाती है बच्चों, दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आर यू प्लीज सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बाद में ही आप इस वीडियो को हमारी इस
फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं केवीएस आरओ दिल्ली लाइव सीनियर सेकेंडरी। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट बच्चे तो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। योर सब्जेक्ट टीचर इन योर स्कूल आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हैं। हम सभी आपके लिए यहाँ पर हर समय अवेलेबल हैं, ठीक है। बट कीप योर सेल्फ सेफ एंड स्टे हेल्दी, ठीक है। आप डाउट पूछिए कितनी भी बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आप सबसे पहले आप टाइम से ज्वाइन करिए और आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आपको बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन होगा। सो नाउ टू चार्ज द स्फीयर ए नेगेटिवली, अगर हम स्फीयर ए को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं, सपोज दिस इज स्फीयर ए अगेन, और बच्चों ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है और मुझे इसको क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके नजदीक दूसरा स्फीयर लाएंगे जिसके ऊपर इसके अपोजिट चार्ज हो, क्योंकि मुझे इस पे लाना है नेगेटिव, तो मैं इसके नजदीक एक दूसरा स्फीयर लाऊंगा जिसपे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर हम इसके नजदीक लेकर आते हैं, और जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर इसके नजदीक लेकर आते हैं तो बच्चों क्या होगा, इंडक्शन होगा, इंड्यूस। इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पड़ोस में जब आपके पास खाना बच जाता है तो आप क्या करते हैं, कुत्ते को, डॉगी को, या जानवरों को, गाय को, उनको बुलाते हैं, ठीक है। तरह तरह की आवाजें निकालने के तरीके हैं, आप जानते हैं सभी, तो वो आवाजें निकालकर आप उनको बुलाते हैं और वो जानवर पशु बेचारे जो भूखे हैं वो दौड़े दौड़े आपकी ओर इंड्यूस हो जाते हैं, चले आते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, ये जो अनचार्ज स्फीयर है इसके नजदीक हमने चार्ज स्फीयर रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके सारा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस होता है। जैसे ही अपोजिट चार्ज का स्फीयर हम लाएंगे यहां पे तो शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही इधर से नेगेटिव आएगा सारा तो इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों मैं आपको फिर बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां पे प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन चार्जिंग, यहां पे जस्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पॉजिटिव आ जाता है, तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, होल इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस साइड विल बिकम नेगेटिव, ओके। अब इस पे कितना चार्ज है, इस पे तो चार्ज अब भी जीरो है, इट इज स्टिल न्यूट्रल, तो क्या करें इसके लिए, तो दूसरा टेक्निक मैंने आपको बताया था, अब क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे बच्चों। अब जैसे ही इसको हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव इज रिपेलिंग पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, और हमने रास्ता भी प्रोवाइड कर दिया, वी हैव प्रोवाइडेड द पाथ टू एस्केप, एस्केप करने के लिए, निकल के भागने के लिए हमने रास्ता दे दिया, तो ये पॉजिटिव बच्चों क्या करेगा, ये भाग जाएगा, कहां भाग जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा, इट विल मूव टू द ग्राउंड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन तो है ही नहीं, एक्चुअली इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वही पॉजिटिव चार्ज है, तो कमी कैसे जाएगी, ठीक है, कमी कैसे पूरी होगी, ठीक। तो मान लो आपके पास किसी चीज की कमी हो जाए तो वो कमी कैसे पूरी होती है, जब कोई आपको वही चीज दे दे तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक ऐसे यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड राइट साइड, अब ये कमी पूरी कब होगी, तो ग्राउंड से बच्चों इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली नेवर गोज टू ग्राउंड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, सो इट विल नेवर गोज टू ग्राउंड, इट विल नेवर गो टू ग्राउंड, एक्चुअली वी विल से इलेक्ट्रॉन्स विल कम फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो आकर के इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेगा, और इस तरह से ये सारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और केवल इस स्फीयर पे अब कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज विल गो टू ग्राउंड, बट ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज नेवर गोज टू ग्राउंड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली जाता के, द वे ऑफ गोइंग द पॉजिटिव चार्ज इज दैट इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम ग्राउंड एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, एंड इट अपीयर्स दैट, हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया, जबकि पॉजिटिव चार्ज तो कुछ है ही नहीं अपने आप में, पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की,
तो वो कमी कैसे पूरी होगी, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर के उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें केवल कैसा चार्ज है, नाउ दिस स्फीयर इज हैविंग ओनली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस था कि हम स्फीयर बी को, स्फीयर ए को हम क्या करना चाहते थे, नेगेटिवली चार्ज करना चाहते थे बच्चों। तो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, ठीक है, पर्पस सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अगर मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज फिर से ग्राउंड में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसको हटाने से पहले क्या करना है, यहां से अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करना है। जैसे ही आप अर्थिंग डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद फिर इसको यहां से रिमूव करना है। जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्फीयर। तो बच्चों हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया एंड हमारा स्फीयर ए इज नाउ नेगेटिवली चार्ज। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों आज हमने इन दिस क्लास वी डिस्कस मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। सो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, अगेन आई टेल यू, चार्जिंग बाई कंडक्शन, नंबर टू चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एंड नंबर थ्री चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड इफ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, यू हैव टू मिनट्स। ओके, ओके यामिनी सिंह बेटा मैंने बताया कि जैसे हम वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जब हम वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देखो दोबारा समझिए, अभी मान लो वायर कनेक्टेड है, ओके अभी वायर कनेक्टेड है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अभी इसकी तरफ पुल हो रखा है, अट्रैक्टेड है, मगर ये मूव करके इसके ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि बीच में क्या एयर है और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अभी इसके ऊपर ही रहेगा मगर इस साइड पे है। ओके, नाउ अगर मैं इस स्फीयर को रिमूव कर दूं, अभी जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट है तो ये ग्राउंड में चला जाएगा और ये सारा नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, तो हमारा पर्पज तो फॉरफिट हो जाएगा। जो हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे, हम इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते थे, तो वो नेगेटिव चार्ज विल गो टू ग्राउंड। तो बच्चों ताकि ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में ना जाए, इस स्फीयर के ऊपर ही रहे, ठीक है, इसलिए पहला काम क्या करोगे, ग्राउंड से डिस्कनेक्ट ही कर दो इसको। ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में जा किसके थ्रू रहा है, वायर के थ्रू, तो वायर ही हटा दो। अगर हमने वायर हटा दी, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज कैन नॉट गो टू ग्राउंड, और सराउंडिंग में तो एयर है, अब वो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, अब Now you can remove your this sphere B. अब इसको ले जाओ, क्योंकि आप इसको क्यों लाए थे, आप इसको लाए थे इसको चार्ज करने के लिए, चार्ज तो हो गया, आपका पर्पज कंप्लीट हो गया, सो टेक इट अवे। अब जैसे ही आप इसको ले जाएंगे, दिस नेगेटिव विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर ए। ओके, तो बेटा यामिनी आपको क्लियर है अभी, ये बताइए, मैसेज करके बताइए। और जिस जिसको डाउट्स है, वो बेटा अपने डाउट्स कल की क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास आ रही है, आई विल सी योर कमेंट्स और आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, अदरवाइज कल की क्लास में आपके डाउट्स हम लेंगे, डोंट वरी, आई अश्योर यू कि कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, कोरोना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बी मोटिवेटेड। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें एजुकेशन के फील्ड में हमारे देश को पीछे नहीं जाने देना है, सभी चीजें दोबारा रिकवर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।